शिमला और सिरमौर में बारिश की आशंका फिर से जताई गई है। सोलन, मंडी, लाहौल स्पीति और यहां तक कि किन्नौर में भी हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है। शिमला में सुबह से बारिश हो रही थी, अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। कई इलाकों में अभी भी बरसात हो रही है, लेकिन हल्की बरसात है। जो पिछले दिनों हमने 24 घंटे से ज़्यादा बारिश का वो खतरनाक मंजर देखा, वो फिर से ना देखने को मिले, यही प्रार्थना हम भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ सहन नहीं कर सकता हिमाचल प्रदेश। अब ये हालात बेकाबू हो सकते हैं अगर आगे भी बारिश ज़्यादा होगी तो। फिलहाल हल्की बरसात की आशंका जताई जा रही है। शिमला से प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं और कुल्लू से मनोज हमारे ब्यूरो वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दोनों से हम बातचीत करते हैं। दोनों ही हमारे ब्यूरो इस समय ग्राउंड स्तर पर जाकर आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं, हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि सरकार तक ये तस्वीरें, ये जानकारी प्रशासन तक हम पहुँचा सके और लोगों की मदद भी हो सके, क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश खुद एक पीड़ित प्रदेश बन चुका है। प्रदीप, शिमला का थोड़ा सा बताइए, अभी तक शिमला को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है, आज के हालात क्या है, सुबह बारिश हो रही थी, फिलहाल मौसम का अपडेट क्या है, क्योंकि ये सबसे जरूरी बात है। बिल्कुल कमल, देखिए शिमला में अभी मौसम, हालांकि बारिश नहीं हो रही है, मौसम थमा है और बादल अभी छाए हैं, लेकिन सुबह के वक्त हल्की बारिश यहां पर लगातार हो रही थी और मौसम विभाग ने भी जो अभी चेतावनी दी है उसमें पहले लगभग 11:30 बजे तक की चेतावनी थी कि उसमें बारिश हो सकती है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए मौसम जो है हम कह सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पर बारिश अभी नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ अगर शहर में नुकसान की बात करें तो, अगर शिमला शहर की बात करें तो यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, अपर शिमला की तरफ नुकसान हुआ है, कुछ जगह लैंडस्लाइड हुआ है, कई घर भी उसमें ढह गए हैं, दब गए हैं, उस लैंडस्लाइड की वजह से मौतें भी पहले हुई हैं। और इसके साथ साथ बड़ी समस्या यहाँ पर अब पानी हो गया है और अभी भी हम कह सकते हैं कि जो यहाँ के लिए मेन जो पाइपलाइन है वो बहाल नहीं हो पाई है और जो गिरी का है, चावा का जो पंपिंग स्टेशन है वो प्रभावित हैं और वहाँ से अभी पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, पंप नहीं हो पा रहा है। और अगर मौसम एक दो दिन रुकता है तो उसके बाद ही स्थिति सामान्य होगी। फिलहाल टैंकरों के जरिए यहाँ पर लोगों को जहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें आ रही है पानी उनको मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन अगर एक दो दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो यहाँ पर पानी के लिए हाहाकार मच सकता है और ये एक विकट परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है शिमला की। इसके साथ साथ अगर बात करें ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की, तो नुकसान जो है वो प्रदेश में जिस तरह से आंकलन का दौर इस वक्त चला हुआ है, लेकिन जो उम्मीद, जो अनुमान अभी तक लगाया गया है वो लगभग 4,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है, लेकिन जो फील्ड में ऑफिसर गए हैं उन्होंने जो आंकलन अब तक किया है वो 1,050 करोड़ के करीब नुकसान जो है पिछले कल शाम तक का हो चुका था, यानी ये आंकलन हो चुका है, लेकिन अभी आंकलन होना बाकी है, लेकिन मोटा अनुमान यही है कि 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को पहुंचा है। तो ये बड़ी दिक्कत है। इसके साथ साथ HRTC के बहुत सारे रूट्स प्रभावित हुए हैं, 1100 से ज्यादा रूट्स अभी तक प्रभावित चल रहे हैं। इसके साथ साथ सड़कें, 1200 से ज्यादा सड़कें वो अवरुद्ध पूरी तरह से हैं और शिमला में ज्यादा दिक्कत जो इंटीरियर में है, यहाँ पर जो संपर्क मार्ग हैं वहाँ ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि सेब सीजन इस वक्त यौवन पर है और इस वक्त सेब को मंडियों में पहुंचाना है, वो अभी कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, चट्टाने गिरी हैं, तो मार्ग बहाल करने में दिक्कतें भी आ रही हैं और कीचड़ वाला मार्ग बन गया है, जो कच्चे रोड हैं तो वहां से जो छोटे वाहन है जिसके जरिए इसको सेब को मंडियों तक पहुंचाया जा सकता है तो उसमें परेशानियां आ रही है। तो बागवानों को ये एक बड़ी दिक्कत शिमला की अगर बात करें, ये साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। प्रदीप बने रही हमारे साथ। हमारे साथ कुल्लू से भी मनोज धीमान जुड़ चुके हैं। मनोज, कुल्लू वो जिला जो बहुत प्रभावित हुआ मौसम की मार से, हवाई सर्वे किया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, लेकिन धरातल पर सच्चाई आप बता सकते हैं, अभी ताजा हालात क्या हैं, एक बार दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए। बिल्कुल कमल, देखिए कुल्लू का जिला इस वक्त बाढ़ ग्रसित है और ब्यास नदी ने यहाँ पर अपना रुख मोड़ा, तो कई हर जगह जो है वो तबाही जैसे मंजर देखने को मिले हैं। सड़क बह गई है, बिजली के खंभे बह गए हैं, पीने के पानी की जो सप्लाई है वो यहाँ ठप है, पाइपें बह गई हैं। ऐसे में लोगों को अच्छी खासी मार से दो चार होना पड़ रहा है। पिछले 4 दिन से कुल्लू में बिजली नहीं थी, कुल्लू के कुछ हिस्सों में बिजली आई है, बाकी गाँव में बिजली नहीं है। ऐसे में सब्जी की सप्लाई बंद है, दूध यहाँ नहीं पहुँच रहा, तो रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और वहीं दूसरी ओर मनाली और
कुल्लू को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे था वो भी रायसेन के पास 200 मीटर के करीब जो है वो बह गया है, वो भेंट चढ़ गया है ब्यास की, ब्यास नदी ने उसने अपने आगोश में ले लिया है। इसी तरह HRTC की वर्कशॉप, ये देखिए कमल ये नज़ारा, जो HRTC की वर्कशॉप है गाद यहाँ पहुँच गई थी, बसों के पहिए यहाँ जाम हो गए थे और काफी ज्यादा नुकसान जो है वो इस विभाग को हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो ब्यास नदी की जो गाद है उसके उसके उसमें ये बसें दब गई थी, ये सारी गाद जो है ब्यास नदी अपने साथ बहा कर लाई थी और उसके बाद से ही जो बसें हैं वो गाद में फंस गई हैं। हालांकि जेसीबी मशीन को लगाया गया है, जेसीबी मशीन यहाँ खड़ी है, सुबह से ये काम कर रही है, कुछ पल के लिए रुकी हुई है, तो ऐसे में जो है जो राहत कार्य है वो लगातार जारी है और ऐसे में लगातार से जो है जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में है और कहा जा सकता है की पूरी सरकार जो है वो जिला कुल्लू मंडी और मनाली के बीच में पहुंच चुकी है। एक सवाल है, जो लोग फंसे हुए हैं, जो पर्यटक फंसे हुए हैं, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो कुल्लू से निकलना चाहते हैं और सेफ जगह जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई रूट ऐसा है जो बताया गया है, कोई नया रूट खोला गया है? कई जगह रास्ते बंद है, लैंडस्लाइड हो रहा है, कल तो मैंने एक रिपोर्ट भी देखी, आपकी दर्शकों ने देखी, आपकी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भी लैंडस्लाइड हो गया था और ये सब कुछ चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो उन पर्यटकों के लिए कोई जानकारी, कोई एडवाइजरी अभी हाल ही में कोई जारी की हो तो एक बार हमारे जरिए बता दीजिए, तस्वीरों को दिखाते दिखाते, क्योंकि आप भी जहां पर मौजूद है वहां पानी पानी नजर आ रहा है, हालात खराब है। बिल्कुल कमल, देखिए अगर आप मंडी से मनाली जाना चाहते हैं तो कंडी कटोला होकर के जो कमांड वाला रास्ता है वो खुला है, वहां से आप सीधे कुल्लू पहुंच सकते हैं। कुल्लू से आप मनाली जाना चाहते हैं तो मनाली से रायसेन से होकर नगर वो मनाली के लिए रोड पुलिस ने खोल दिया है। हालांकि ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है क्योंकि ऊपर पर्यटक है, छोटा रास्ता है, छोटे रास्ते में दोनों तरफ से गाड़ियां चलेंगी तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होगा। जो सफर आप एक घंटे में तय करते हैं वो आपका 5 से 7 घंटे भी लग रहे हैं क्योंकि लंबा जाम जो है वो वहां पर लग रहा है। ऐसे में लोग जो है वहां और जो पर्यटक ऊपर फंसे हुए थे उनको पिछले कल भी निकाला गया है और आज भी जो वहां से जो पर्यटक है उनको गाड़ियों से के माध्यम से जो है वो कुल्लू लाया जा रहा है। कुल्लू के द्वारा उनको जो उनकी डेस्टिनेशन है जिस राज्य से आए हैं वहां के लिए उनको भेजा जा रहा है। प्रशासन कह रहा है कि जहां पर है वहीं पर रहिए तो वहीं पर रहिए, अगर प्रशासन कह रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे तो उस पर विश्वास कीजिए। मनोज जुड़ रही हमारे साथ कुल्लू से, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। मनीष, फिलहाल कुल्लू ज़िले में आपने जो अभी भयानक मंजर देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, उसको अपनी ज़ुबानी एक बार बता दीजिए संक्षेप में, और ताज़ा हालात आप बता सकते हैं, आप कहाँ मौजूद हैं अभी कुल्लू में, क्या हम कह सकते हैं जो लोग मौजूद हैं वो सुरक्षित है या फिर हालात अभी भी ख़राब आपको लग रहे हैं? कमल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो बारिशों का दौर है वो फिलहाल के तौर पर जो है वो थम चुका है और जो राहत और बचाव कार्य है वो जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर कुल्लू जिला की बात की जाए तो बीते कल जो है कुल्लू शहर के लिए बिजली आपूर्ति को बाधित कर दिए गए। हालांकि जो अभी पेयजल योजना है वो बाधित चल रही है क्योंकि तमाम जो वाटर सप्लाई रिसोर्सेज है वो बाधित टूट चुके हैं, ऐसे में उन्हें ठीक करने के कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, बागवानी मंत्री जगत नेगी और CPI सुंदर सिंह ठाकुर और जो संजय अवस्थी है वो कुल्लू पहुंचे और यहाँ पर तमाम राहत बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। अभी जो मुख्यमंत्री है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंद्रताल और सिसु का हवाई सर्वेक्षण करने गए और उसके बाद वो वहां पर देखेंगे किस तरीके से लोग हैं वो फंसे हुए उनके निकालने का कार्य किया जा रहा है। कुल्लू जिला की बात की जाए तो जो हालात थे यहाँ पर बद से बदतर होते हुए नजर आते, लोगों की जो पूरी जिंदगी की कमाई थी वो यहाँ पानी में ताश के पत्तों की तरह बह के ढह गई है। मनाली की बात की जाए तो मनाली में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आलू ग्राउंड के पास जो है तमाम नुकसान हुआ है, क्लाथ के जो होटल्स है वो बह गए हैं, बुंतर के पास जो रास्ता है वो बंद हो गया है, हाथान में लोगों के मकान बह गए हैं, होटल्स बह गए हैं, ढाबे बह गए हैं। लाहौल की बात की जाए तो लाहौल जो NH-03 है वो काफी मात्रा में बह गया था तो काफी नुकसान जो अरबों रुपए का नुकसान जो है प्रदेश को हुआ है। अगर प्रदेश की बात करें 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को और कुल्लू को भी करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। इसको लेकर जो है वो कार्य किया जा रहा है और प्रदेश सरकार के जो तमाम बड़े लोग हैं वो यहाँ सामान्य स्थिति होने में कितना वक्त लग सकता है? अगर फिर से बारिश हुई तो क्या आपको लगता है कि मुसीबत और बढ़ जाएगी? The
बिल्कुल देखिए, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से आगामी 14 तारीख से बारिश की संभावना जाहिर की गई है, तो ऐसे में जो बारिश यहाँ पर हुई है, जो बताया जा रहा है वो 40 सालों के बाद इतनी भयंकर बारिश जो है वो यहाँ पर हुई, जिससे काफी नुकसान यहाँ देखने को मिला है। और ऐसे में 14 तारीख के बाद फिर से बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में डर है वो बैठा हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी भयंकर त्रासदी यहाँ पर हुई है, काफी आपदा यहाँ पर आई है, लोगों की जो जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, जो कमाई थी, वो यहाँ पर नदी में बह गई। नुकसान काफी हुआ है मनीष, मनोज, और ये सब कुछ हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से भी, और आप भी दिखा रहे हैं। यूं ही रिपोर्टिंग करते रहिए ताकि सरकार तक हम हर तस्वीर और हर जानकारी पहुंचा सके, क्योंकि हम एक जरिया, एक माध्यम है लोगों को सरकार तक पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सीधे जानकारी लोगों तक पहुँचाई है, हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है।